का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स क्या, दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के ऊपर।
सर्कल के सेंटर के अंदर मींस इनवर्ड फोर्स लगे बट उसकी स्पीड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, उस टर्म को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय FC. इसको किससे डिनोट करेंगे, FC से. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बात की थी पहले भी, इस टॉपिक को डिस्कस किया है. अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं होती. कब तक, जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. अगर बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो
इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन। ये भी हमने डिस्कस किया था, न्यूटन के तीनों लॉस डिस्कस किए थे। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमने क्यों बोला, क्योंकि जो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, जो बॉडी किसके कारण है, बॉडी मूव कर रही है, सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी टू कीप अ बॉडी मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो द फोर्स इस पे क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रही है, सो द फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपेटल फोर्स के। क्यों, द फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट ऑन अ बॉडी, ये क्यों लगती है, टू कीप अ बॉडी मूविंग इन, टू कीप अ बॉडी, टू कीप अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन, अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट टर्म इज सेड टू बी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसमें हमने क्या बोला, सेंट्रीपेटल फोर्स होती क्या है, द सेंट्रीपेटल फोर्स द फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस व्हिच इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मींस उसमें क्या था, वो फोर्स उसके अंदर लग रही थी, सेंट्रीपेटल फोर्स में इनवर्ड एक्ट कर रही थी, सर्कल के अंदर फोर्स लग रही थी, और स्पीड उसकी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, मींस कांस्टेंट थी। अब सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस ये है कि फोर्स क्या बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल से दूर लगेगी, दैट टर्म इज सेड टू बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस जो फोर्स ए पे एग्जर्ट कर रही है वही फोर्स क्या है, बी पे भी एग्जर्ट करेगी, और जो बी पे कर रही है वो ए पे करेगी, बट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। मींस हमने न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ पढ़ा था, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें हमने क्या बात की, द फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, कि जो फोर्स लग रही है सेंट्रीपेटल फोर्स उसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करती है वो किसके कारण करती है, सेंट्रीपेटल फोर्स उस पर एक्ट होती है, कब, उसके अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, दैट टर्म इज सेड टू बी सेंट्रीपेटल फोर्स। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्कस। तो ये थी हमारी टू फोर्सेस, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व। हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी किए थे, पैरेलल वेक्टर्स भी किए थे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जहां आ जाए हम वहां क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, और पैरेलल वेक्टर्स भी इसका क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर थीटा जीरो होता है, और परपेंडिकुलर वेक्टर में थीटा क्या होता है, 90। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हम थीटा को क्या लेकर चलते हैं, 90, और पैरेलल वेक्टर्स में हम थीटा को क्या लेते हैं, जीरो। तो अब हम करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है प्रूव दैट द वेक्टर्स ए एंड बी, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है प्रूव दैट द वेक्टर्स ए एंड बी, द वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं, ए और बी हमने दो वेक्टर लिए, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर परपेंडिकुलर हो तो उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हमें प्रूव करनी है, जीरो के इक्वल। मींस ए को जब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए इसका प्रोडक्ट। तो अब हम पहले लिखेंगे ए वेक्टर, ए वेक्टर किसके इक्वल है, उसकी वैल्यूज लिखेंगे ए आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट बी वेक्टर कितना है टू आई माइनस जे कैप इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे को जे वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किसके इक्वल करना है हमें, जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे आई इंटू टू आई वैक्टर मीन्स वन मल्टीप्लाई टू इंटू आई डॉट आई प्लस नेक्स्ट जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना मीन्स टू इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई जे डॉट जे वेक्टर और नेक्स्ट हमारी थर्ड टर्म है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड वेक्टर के वेक्टर है नहीं यहाँ पे और यहाँ पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आएगी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट जब हम इसको सोल्व करेंगे टू मल्टीप्लाई वन इज टू आई डॉट आई इज वन प्लस सॉरी प्लस माइनस इज माइनस तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस टू j into j is 1 that is equal to 0 so 2 minus 2 is 0। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। हमने क्या बोला था, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने ये दो वेक्टर्स लिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें गिवन थी और हमने प्रूव करना था कि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मींस इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ पुट की डॉट b की वैल्यू यहाँ पुट की, तो इसको क्या किया i वेक्टर को i वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और j वेक्टर को j के साथ मल्टीप्लाई किया। k वेक्टर यहाँ a वन टाइम्स है यहाँ पर नहीं है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सिंपली हमने जीरो राइट कर दिया। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है वन आई प्लस टू जे प्लस थ्री के डॉट टू आई माइनस जे वेक्टर, तो हमने इसको i को i कैप से मल्टीप्लाई किया, i कैप इनटू i कैप इज मींस 1 मल्टीप्लाई 2 i डॉट i, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, i डॉट i किसके इक्वल होते हैं 1, j डॉट j 1 सेम का सेम के साथ होगा तो क्या आ जाएगा 1, तो 2 माइनस 2 इज 0, यही हमने प्रूव करना था। सो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसमें क्या है, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करना है और जो टर्म्स गिवन होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है। सो सेकंड है हमारा, सेकंड न्यूमेरिकल है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वेक्टर्स a एंड b आर, फॉर विच वेक्टर्स a एंड b, फॉर विच वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मींस अब इसमें भी हमने क्या करना है, एक तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा इन्होंने क्या बोला है, a और b क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस इसका डॉट प्रोडक्ट अगेन क्या है, जीरो, उसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो इसमें हमें a की और b की वैल्यू क्या गिवन है, a इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j प्लस mk, a इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j प्लस mk और b वेक्टर हमें गिवन है, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस k कैप। तो ये ऊपर जो हमने साइन लगाया ये क्या है, कैप। वेक्टर को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एरो से, और ये हमारे जो साइन लगाए ये है क्या, ये क्या है कैप। सो ए और बी को अब हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि हमारे बात क्या हो रही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर में हम ए और बी वेक्टर्स का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम ए और बी का डॉट
के कैप। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप इनटू टू आई कैप मींस वन मल्टीप्लाई टू और आई कैप डॉट आई कैप प्लस टू इनटू माइनस वन इनटू जे कैप मल्टीप्लाई जे कैप नेक्स्ट आई जे कैप डॉट जे कैप नेक्स्ट क्या होगा के वेक्टर कितना है प्लस एम इनटू वन के कैप डॉट के कैप। तो इसमें क्या बोला है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अगर हम एम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर देखेंगे क्या आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा टू आई कैप डॉट आई कैप इज वन माइनस टू जे कैप डॉट जे कैप इज वन प्लस एम के कैप डॉट के कैप इज वन। सो टू मल्टीप्लाई वन इज टू माइनस टू प्लस एम यहाँ पे क्या है a डॉट b सो जीरो प्लस m दैट इज इक्वल टू a डॉट b। तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी m हमारा किसके इक्वल आ गया जीरो के इक्वल आ गया क्योंकि इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया जीरो सो m प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो m की वैल्यू कितनी आ गई जीरो क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है हमारा जीरो के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है। तो इसको जब हम जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा एम कितना आ गया जीरो। तो यही हमने प्रूव करना था ये दोनों भी क्या है वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ये हमने प्रूव करना था और हमने एम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमने एम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी और ए डॉट बी को परपेंडिकुलर वेक्टर्स के इक्वल भी प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट में भी क्या है इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स इसकी अब ए क्रॉस बी प्रोडक्ट निकालेंगे इसका नेक्स्ट। अब ये तो थे जब हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो नेक्स्ट अगर हम बात करें ए क्रॉस बी प्रोडक्ट हमें निकालना हो ए और बी वेक्टर्स दोनों हमें गिवन है तो उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो कैसे करेंगे। सो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है थर्ड न्यूमेरिकल इज इफ एक वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे प्लस आई कैप माइनस टू जे प्लस थ्री के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू और बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई प्लस फाइव जे फोर आई प्लस फाइव जे प्लस जीरो के वेक्टर के कैप। तो इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी तो इसका हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है फाइंड ए क्रॉस बी इसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए क्रॉस बी। तो हमें ए और बी की वैल्यूज गिवन है ए और बी वेक्टर गिवन है हमने क्या फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हम ये कैसे करेंगे सो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। तो इसमें वैल्यूज हम राइट करेंगे फर्स्ट में क्या है वन वन माइनस टू थ्री नेक्स्ट क्या है फोर फाइव जीरो। तो ये हमारी वैल्यूज गिवन थी हमने आई जे के नहीं राइट करना जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हमने वैल्यूज राइट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे ओपन करेंगे फर्स्ट हमारी क्या है आई कैप तो हम क्या लिखेंगे आई कैप इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम निग्लेक्ट कर देंगे हमारे पास क्या बचा माइनस टू इंटू जीरो इज जीरो जीरो माइनस थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है जे वेक्टर। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा वन जीरो थ्री फोर वन इंटू जीरो इज जीरो माइनस थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व प्लस के कैप। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को अगर हम निग्लेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचा वन इंटू फाइव इज फाइव फाइव प्लस फोर मल्टीप्लाई टू इज एट। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा माइनस फिफ्टीन आई प्लस ट्वेल्व जे प्लस इसको अगर हम सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा थर्टीन के। तो ये हमने क्या फाइंड करना था ए क्रॉस बी वेक्टर तो हमारे ये किसके इक्वल आया माइनस फिफ्टीन आई प्लस ट्वेल्व जे प्लस थर्टीन के। तो ये हमारा क्या आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर का प्रोडक्ट आ गया। हमने क्या किया ए और बी दो वेक्टर्स
हमें गिवन थे उसका हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। वो हमने कैसे किया, हमें ए और बी गिवन थे तो उसकी हमने फर्स्ट क्या आई जे के कॉम्पोनेंट्स फाइंड आउट किए, आई जे के कॉम्पोनेंट्स राइट किए और उसमें क्या वैल्यूज हमें गिवन थी 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3। आई जे के को हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट गिवन था 4 5 0। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपैंड किया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट किया, मीन्स आई कैप को जब हम ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिए तो क्या रहा, -2 × 0 = 0, -3 × 5 = 15। सो -15 i - j कैप, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 0 = 0, -3 × 4 = -12। सो -minus is +12 j + k कैप। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -1 × 5 = 5, 4 × 2 = 8। तो ये क्या हो गया हमारा 5 + 8 = 30 k। तो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।